नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और हम आए हुए हैं आज कवाड़ी गांव में, जहां संत गुरु रविदास की जयंती मनाई गई है। जानकारी के अनुसार यहां बता दें कि इस जयंती को इस गांव में करीब 20 साल से भी ज्यादा समय से मनाया जा रहा है। और आज यहां इस कार्यक्रम को किया गया है, जहां भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और उसके साथ में यहाँ आज पूरी पंचायत के मेंबर, पंच, सरपंच, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के पार्षद सुरेंद्र माड़िया जी और यहाँ नेता जगदीश यादव जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ स्वीकृत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से गुरु रविदास के पद चिन्हों पर चलकर इन गाँव वालों ने यहाँ एक सेवा समिति बनाई है, गुरु रविदास सेवा समिति। उसके सभी सदस्य मिलकर ये कार्यक्रम हर साल इस दिन गुरु रविदास जयंती के दिन करते हैं। तो हम दिखाएंगे किस तरह से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। और जैसा कि आपको बताया, गुरु रविदास जयंती पर ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे भक्तगण दूर दूर से आकर के यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और गुरु रविदास जयंती को यहाँ एक भंडारे के रूप में मनाया जा रहा है। सभी क्या और ये SBS टीम द्वारा इस पूरी कमेटी को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे, सम्मानित करते हुए SBS टीम के व्यक्ति और टीम के सदस्य। और ये संत रविदास टीम सेवा समिति टीम के द्वारा SBS टीम को भी यहाँ मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। ये बेरली रोड कवाली गांव में गुरु रविदास जयंती का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे मेले का आयोजन भी किया गया है, यहाँ पे साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया है गया है। और यहाँ बने हुए हैं सभी ग्रामवासी और पंचायत के मेंबर, ब्लॉक समिति मेंबर और पूर्व मंत्री जगदीश यादव भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं गुरु रविदास जयंती का जो कार्यालय है, इसके सामने शहीदों का, शहीद स्मारक के सामने ये ऑफिस है। और यहाँ पे एक सांग का प्रोग्राम भी किया गया है जो इसके साथ साथ चल रहा है सुबह से, उसमें की भी झलक हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए वीडियो के साथ। श्रीमान जी इंद्र सिंह जी जावड़ा साहब दूध से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु चंद्र चोट मिली जती सती के लहने ते, अरे रानी हिम्मत है तेरी डरती ना दुख सहने ते, एक छत्राणी बन में रहने ते कौन डरी है, मेरे लिए गोरी तू रो रो मरी, बस केवल आपके लिए। लेकिन लेकिन आज के बाद में हाँ, तुम जंगल में या बाग में लकड़ी लेने के लिए नहीं जाओगी। क्यों, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा।
हाँ लेकिन आप तो जवान हो गए हो, ये बात मेरे ध्यान में ही नहीं थी। कोई बात नहीं, आप काट लेना, मैं नीचे भरोटा बना दूंगी। नहीं, तुम भरोटा बनाने के लिए मैं नहीं चलूंगी। तो महाराज मैं घर में डबल बेड पे सोऊंगी। हाँ तुम आराम करो। ठीक है तो मैं सो जाऊंगी। हाँ चलो। Yeah.
और पूर्व मंत्री जगदीश यादव यहां पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। मंत्री जी का स्वागत करते हुए ग्रामवासी, फूल मालाएं पहनाकर पूर्व मंत्री जगदीश यादव का सम्मान यहां किया गया। दो ने तीन चाहिए, ये हो गए दो, पहले इधर पहले बोरा जी। और शहीदों का सम्मान करते हुए पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी फूलों की माला पहनाकर शहीद को सम्मानित किया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने सबसे पहले यहां आकर शहीदों को सम्मानित किया, फूल माला अर्पित की और उसके बाद मंदिर में जाते हुए और गुरु रविदास जी के इस मंदिर में पूर्व मंत्री जगदीश यादव माथा टेकने के लिए आते हुए थोड़ा साइड में रहिए। मैं थोड़ा पीछे हुई, थोड़ा सा पीछे हुई। समिति के सदस्य और गांव के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा के साथ बैठक करते हुए पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी हरियाणा सरकार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, समाज सेवी और हम सबके प्यारे बोरा जी हमारे इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मैं ग्राम पंचायत कमाड़ी और रविदास समिति की ओर से उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके साथ पहुंचे तमाम मेहमानों का ग्राम कमाड़ी में यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। उनके साथ गणमान्य जो भी मोदी लोग आए हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें।
मेरा अपने गांव के वासियों से निवेदन है कि वो बाहर गांव से आए हुए अतिथियों को के लिए जगह छोड़े। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके हैं और मैं स्वागत की इस घड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे ग्राम कवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि श्री देशराज जी से कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश यादव जी को बुके भेंट करें और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत करें। प्रधान और कमेटी सदस्यों से भी निवेदन है कि वो भी मंच के पास उपस्थित रहें और हमारे मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री देशराज जी और हमारी रविदास कमेटी के सदस्य पदाधिकारीगण, हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश यादव जी का वरिष्ठ कांग्रेसी नेता समाज सेवी और पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए ग्राम कवाड़ी की ओर से रविदास समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन सभी जोरदार ताली बजाएंगे और सभी जोरदार ताली है। मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी आदरणीय बोरा जी को पहनाई जा रही है। एक बार लगे जाते मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जी से आदरणीय श्री जगदीश बोरा जी से समाज सेवी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार से कि वो मंच पर आए और गांव कवाड़ी की सरदारी को संबोधित करें। आज हम 647वां रविदास जयंती समारोह गांव कवाड़ी के इस पावन धरा पर मना रहे हैं। आदरणीय जगदीश यादव जी से निवेदन है कि वो हमारे इस जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, गांव के सरपंच साहब और समिति के प्रधान जी, मैं अपनी तरफ से आप सबको गुरु रविदास जी की जयंती की बधाई देता हूं कि आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। गुरु रविदास जी एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज सुधार के लिए समाज में प्यार का संचार किया। वो एक बात पे जोर देते थे कि हम सबको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठ करके भेदभाव से दूर रहते हुए और सबको मिलजुल करके रहने का उन्होंने संदेश दिया। वो ऐसे संत थे जो भक्ति भाव से पूर्ण थे और साथ साथ कर्म का भी उनमें विशेष स्थान था। काम करते हुए वो भक्ति करते थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम किया कि उनके दोहे बहुत ही प्रचलित हुए और उसमें उनका जो सार था वो समाज को शिक्षित करने का सार था। हम भी पढ़ते रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, हालांकि वो ज्यादा पढ़े लिखे बताते ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बहुत ज्ञानी थे। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज भी प्रासंगिक है और हमें उन पर अमल करना चाहिए। आज के दिन हम सबको मिलकर के प्रेरणा एक कसम लेनी चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलें और प्रेरणा लेकर के जाएं यहाँ से कि जिस प्रकार से 647वीं जयंती हम उनकी मना रहे हैं कि इतने साल पहले वो पैदा हुए वाराणसी के पास के गांव में उन्होंने जन्म लिया था, एक मामूली परिवार में जहां जूते बनाने का वो काम करते थे और उसके बाद भी इस काम के साथ साथ उन्होंने भक्ति में लीन होते हुए बहुत बड़ी शिक्षाएं दी है। वो एक बात कहते थे कि जैसे हम लोग
गीता में भी एक आता है कि कर्म किए जाओ फल की चिंता ना करो। वो कहते थे कि कर्म भी करो और फल का आशीर्वाद भी लो, वो भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कठौती में गंगा और आगे जो ये दोहा था ये उन्हीं का, रविदास जी का है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। तो वैसे तो मेरे पास में 5-7 दोहे नोट करके लाया था उनके, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं, मैं तो मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो आज क्योंकि आ रहा था रविदास जी के बारे में, मैं थोड़ा पढ़ूँ तो मैंने उनके बारे में पढ़ता हुआ मैं आया हूँ। तो मुझे बहुत प्रभावित किया उन्होंने कि मैं आज सही जगह पर जा रहा हूँ, कि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिला है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ और कंवाली गांव का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ। कंवाली गांव ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा दिया है कि मैं आपको कभी भुला नहीं सकता। आप लोगों के सहारे से ही मैं इतना लंबा संघर्ष कर पाया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो संस्था को मैं पैसा तो बहुत देना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अब मैं भी तो सरकार में तो हूँ नहीं, अगले साल खाली सारी नगर में खा दूंगा। इस कारण में तो मैं अपनी तरफ से अपनी जेब से 30,000 रुपये आपको देकर जा रहा हूँ। अगली बार आऊँगा तो शायद भगवान की कृपा से मैं उस स्थिति में हूँगा कि आपकी मनचाही मुराद पूरी करूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने मुझे सम्मान दिया, पगड़ी पहनाई, उसके लिए विशेष तौर पर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी गांव की इस पगड़ी की इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगा, इसका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सावरे भजन संगी बैठा सिंह साहब मंत्री जी संगी बैठा से खानदानी को हरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी, आपका इस गांव से विशेष लगाव रहा है और इस गांव का भी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहा है। इस जगदीश बोरा जी की ओर से पार्टी को 1100 रुपए, हमारी जो ये संस्कृति मंडली है बोरा जी की ओर से 1100 रुपए का इनाम आपके उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है। जो जयंती मनाई गई यहाँ पे, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा? गुरु रविदास जयंती मनाई, तो अच्छा कार्यक्रम है जी। कमाली गांव में तो अच्छे प्रोग्राम होते हैं हमेशा ही। गाँव बहुत अच्छा गांव है, उसका है, मुझे भी हमेशा आशीर्वाद देते रहे जी। मैं तो इस गांव को खत्म करता हूँ जी। सर चुनाव सर पे आ रहे हैं और क्या रूपरेखा तैयार है आपकी? तैयार है हम जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। नरेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद बनेंगे जी और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। कुछ समय पहले ही सर यहाँ एम्स का शिलान्यास हुआ है श्री मोदी जी द्वारा, तो एक जनता में उनकी तरफ एक प्रेम बढ़ा हुआ है, तो उससे किस तरह से आप? उसका हम भी स्वागत करते हैं। एम्स का शिलान्यास हुआ है, हमारे इलाके में कोई बड़ा काम हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी शिलान्यास हुआ है जी। शिलान्यास का मतलब समझते ना जी, नीम का पत्थर रखना, बन जाता है जब काम होता है। तो क्या कहेंगे? शिलान्यास तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कर दिए गए, काम चला ही नहीं, काम डिले रहेगा। आपका सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो दिनौड़ा में एक डिफेंस मिनिस्ट्री गुड़गांव में शिलान्यास कर गए थे जी। राजविंदर जी जब मंत्री थे उस सरकार में भी, आज तक तो उस पर एक ईंट भी लगी नहीं, वो शिलान्यास ही रह गया। तो ये दूसरी सरकार आ गई, इन्होंने काम आगे चलाया नहीं जी। तो काम ऐसा बड़ा अजीब सी स्थिति है कि हम शिलान्यास से ही संतुष्ट हो रहे हैं जी। संतुष्ट तो हम जब हों जब काम हो जी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए बजट में एलोकेशन चाहिए जी। अभी 16 एम्स का जो बजट आया है उसमें तो इसकी चार दीवारी बनेगी, इतना पैसा मिलेगा भाई जी। जब तक बजट एलोकेट ना करें, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस पर काम चले, ओपीडी लगे, क्लासेस लगे, पढ़ाई शुरू हो कहीं, तो ये लगता है कोई हाँ एम की शुरुआत हुई है जी। बाकी फिर भी हम स्वागत करते हैं, कोई काम हो रहा है उसका स्वागत। हमारे इलाके में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हमें बहुत खुशी है इस बात जी। बीजेपी सरकार 2 बार सत्ता में रह चुकी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी टक्कर ले पाएगी सर?
देखो पहले कांग्रेस दो बार सत्ता जी टक्कर ली ना दोनों की, ये तो बदलते रहते हैं। प्रजातंत्र में क्या है, जनता जिससे खुश होगी उसको वोट देगी, अगर नाराज हो जाएगी तो उसको हटा देगी सरकार जी। तो आपकी बार सीट आपकी कहाँ से निश्चित है सर? मेरी अपनी जी, मैं तो कोसली से लड़ता हूँ, कोसली से, कोसली से निश्चित है निश्चित। और बात करें यादविंदर जी की, फिर वो बताएंगे, उनका नहीं पता, आपकी सीट यहाँ से पक्की है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमने आपको जिस तरह ये कार्यक्रम कावाड़ी गांव में आज किया गया उसका आयोजन आपको दिखाया, जो शाम का प्रोग्राम चल रहा है गांव में वो भी दिखाया, और भंडारा भी हुआ था गांव में आज वो भी दिखाया। तो यहां इस समिति के सदस्य हमारे साथ बने हुए हैं, वो अभी बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है इनका, और क्या गाँव से इनका सहयोग मिलता है, बात करवाएंगे। यहाँ कुछ सदस्य बने हुए हैं हमारे साथ इस टीम के। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैलाश चंद्र है जी। मैं किस तरह से आपकी समिति काम करती है और आज का किस तरह का आयोजन रहा आपका? ये समिति लगभग आज से 30-35 साल पहले कार्य कर रही है जी। रजिस्टर्ड संस्था जो है हमारी 2011 में हुई जी। इससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो टीम वर्क हमारा शुरू से ही चला हुआ है, लगभग 88-87 हम वर्क कर रहे हैं जी। गाँव के सदस्य प्लस जो हमारे सरपंच महोदय अजय यादव जो थे, उस समय बहन अनीता को यहाँ बुलाया गया था, उनके मार्फत ये जो ज़मीन है जो बनी हुई है बिल्डिंग, ये उन्हीं की देन है। अजय यादव के जो टाइम था ये ज़मीन हमारी मिली, उसके बाद से लगभग भंडारे का आयोजन यहाँ हर साल चलता रहा है। आज जो प्रोग्राम रखा है इसमें सांगी रईस यादव उनको बुलाया गया है अतिथि के तौर पर, मुख्य अतिथि जगदीश यादव जी, जिला पूर्व मंत्री जी, और कर्णपाल जो समिति के चेयरमैन हैं उनको बुलाया गया है, भाई देशराज जो सरपंच एक्टिव जो है उनको भी आमंत्रण दिया गया है। पूरे गांव का बड़ा सहयोग है, भंडारे का आयोजन लगभग पूरे गांव के समिति का सहयोग है, लेकिन गांव का भी सहयोग पूर्ण रूप से रहा है जी। भाई साहब क्या कहेंगे आज का जो आपके गांव में आयोजन किया गया, जिस तरह भंडारा और जो शाम और इस तरह की प्रोग्राम किया गया है, तो क्या कहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन है जी। मैं हम जब से जन्म लिया यानी कि तब से इस संस्था से देखता है कि हर साल हमारे जयंती और बढ़ चढ़ कर समाज का पूरे गाँव में सहयोग होता है, तब हम अपना कार्यक्रम कर सकें। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि जिस दिन दर साल पर साल जितने भी होते हैं हम बाबा के चरणों में ऐसे चलाते रहें और भव्य आयोजन करते हैं जी। नमस्ते जी। क्या आज आपके गांव में जो कार्यक्रम रहा इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुमन है जी। जी मैं कवारी की रहने वाली हूँ और ये गुरु रविदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। जी इनका बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है जी, हमारे सभी सभी गांव के सभी सहयोग करते हैं जी, लेडीज या जेंट्स सभी जी। बहुत अच्छा सहयोग है जी आपका गांव जी। भाई साहब क्या कहेंगे आज के आयोजन के बारे में? मेरा नाम राम सिंह है, गांव कुमारी का रहने वाला हूँ, और यहाँ गुरु रविदास जी का फाइबर प्रोग्राम होता है, हर साल प्रोग्राम होता है, इसमें ये बात नहीं खाली समाज ही काम कर रहा हूँ, पूरा गांव का इतना सहयोग होता है, दिन और रात एक कर देते हैं प्रोग्राम ये। और जो भी अतिथि हमारे यहाँ पे आते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कर जाता है जी, और बाबा की कृपा से सारा काम सिद्ध होता जा रहा है, जो भी मनोकामना होती है पूरी होती है जी। क्या कहेंगे आप, इस समिति के मेंबर हैं और किस तरह से आयोजन किया गया और क्या क्या आपने इस गांव में इस समिति के द्वारा कार्यक्रम करते रहते हैं? जी मेरा नाम देव सिंह पंच है जी, गांव कंवाड़ी, और हमने जो ये संस्था बना रखी है ये लगभग 20 साल से कार्यरत है जी, और इसमें हमने और कमेटी द्वारा समाज के उत्थान के लिए जी विचार विमर्श किया जाता है जी, तथा लाइब्रेरी भी इस संस्था द्वारा संचालित की है जी, और जितने भी कार्य हैं
वो सब इस गांव के सहयोग से और समाज के सहयोग से पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है और हम वो जोर शोर से इस जयंती में हर्षोल्लास से मनाते हैं जी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का और मेरे गांव का धन्यवाद जी। थैंक यू। गांव कवाड़े में आज जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था वो सभी आपको दिखाए, तो मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।